Assalamualaikum, dear students. Last week we read and understood the scene first of the one act play, The Welcome. Now today we are going to start the scene second. Listen very carefully and understand the meaning as well as the pronunciation of the words. Now take out your books and see on page number 65. Scene second. Inside Chaturbhuj's house. दूसरा मंजर चतुर्भुज के घर के अंदर का दिया हुआ है. आप तस्वीर देख सकते हो. यहाँ पर चतुर्भुज खड़े हुए हैं और उनके बाजू में एक छोटी बच्ची है, फिर उनकी मदर हैं जो कि अपने हाथों में बिल्ली को लिए हुए हैं, मेड हैं, लिटिल बॉय और आंट मौजूद हैं. सीन सेकंड. इनसाइड चतुर्भुज हाउस. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. मेड, मदर, दादा बाबू हैज़ कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर. मेड, मेड मीन्स खादिमा या नौकरानी. इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में. तो नौकरानी कहती हैं कि माँ जी, दादा बाबू बहुत ही गुस्से में घर आए हैं. मदर, वाई, व्हाट्स द मैटर? माँ कहती हैं, क्यों, क्या हो गया? मेड, आई डोंट नो. इंटर चतुर्भुज. खादिमा कहती हैं, मुझे नहीं पता क्या हो गया उन्हें. तभी चतुर्भुज दाखिल होते हैं घर में. लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, जो कि कहता है, दादा, कैन आई हैव दिस कैट? कि भैया, क्या मैं ये बिल्ली ले सकता हूँ? चतुर्भुज स्लैप्स हिम हार्ड. कैट, 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 द होल डे लॉन्ग, इज इट? स्लैप्स मीन्स चाटा या थप्पड़. तो चतुर्भुज गुस्से में उस बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, बिल्ली, 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 सारा दिन बिल्ली करते रहते हो, है ना? मदर, नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री. ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दीज ब्रैट्स स्टार्ट अनॉइंग हिम एट वंस. टू चतुर्भुज, लेट मी हैव द कैट सन. आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय. तो मदर कहती हैं चतुर्भुज को, मुखातिब होकर कहती हैं, बेचारा मेरा बच्चा गुस्सा ना हो तो क्या करे. ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. आखिर वो इतने दिनों बाद घर आया है. एंड दीज ब्रैट्स, ब्रैट मीन्स शरारती बच्चे, नॉटी किड्स. अनॉइंग हिम, अनॉय, अनॉइंग मतलब गुस्सा दिलाना. उसे एक साथ मिलकर गुस्सा दिलाने लगे. ये जो बच्चे हैं ये इसे गुस्सा दिलाने लगे. और चतुर्भुज से मुखातिब होकर कहती हैं, लेट मी हैव द कैट. इस बिल्ली को मुझको दे दे बेटा. आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय. मैं इसे चावल और दूध खिला देती हूँ जो कि मैंने निकाल रखा है. चतुर्भुज फ्यूरियसली, हियर मदर, यू कैन हैव द कैट and feed it all you want. I shan't stop to eat. I am leaving at once. Chaturbhuj gusse mein aag bagula hokar kehte hain, here mother, ye lijiye maa. You can have the cat. Aap billi le sakti ho. And feed it all you want. Want matlab yahan chahna. Feed matlab khilana. To aap billi ko jo chaho wo khilao. I shan't stop to eat. Shan't is the contracted form of shall not. ये एक contract form है shall not का. तो इसका मतलब हो जाता है, I shall not stop to eat. मैं इसे खाने से नहीं रोकूंगा. I am leaving at once. To leave मतलब रुखसत होना या चले जाना. मैं फौरन यहाँ से जा रहा हूँ. Mother, plaintively. Plaintively का मतलब होता है गमगीन होकर कहना या रोहनसी होकर कहना. तो माँ जो है इसकी बातों पर
रोहनसी होकर कहती हैं, व्हाट मेक्स यू से सच अ थिंग, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा। योर मील इज रेडी एंड वेटिंग डियर, यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सून एज यू हैव हैड योर बाथ। माँ मजीद कहती हैं, योर मील इज रेडी रेडी, मील मीन्स खाना, गज़ा फूड, तुम्हारा खाना तैयार है और हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे बेटा। यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सून एज यू हैव हैड योर बाथ, तुम जल्दी से नहा कर आ जाओ और खाने के लिए बैठ जाओ। चतुर्भुज, नो आई एम लीविंग, यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दीज पार्ट्स, नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ, किक्स आउट एट द कैट। चतुर्भुज कहते हैं, नो नहीं मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दीज पार्ट्स, क्रेजी अबाउट किसी चीज़ का दीवाना होना या किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, तो कहते हैं वो कि तुम यहाँ पर सब बिल्ली के पीछे दीवाने हुए हो, पागल हुए हो। नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ, वर्थ मीन्स वैल्यू, कद्र, किसी को इंसान की कोई कद्र नहीं है यहाँ। किक्स आउट एट द कैट, टू किक मतलब लात मारना, और बिल्ली को लात मारता है। आंट डोंट हर्ट द कैट, बिल्ली को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। शी हैज़न्ट डन एनी हार्म, हार्म मतलब यहाँ नुकसान, नुकसान पहुँचाना, इसने कुछ किसी का नुकसान नहीं किया है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसे मत मारो। चतुर्भुज, वेन इट कम्स टू अ कैट यू आर ऑल हार्ट बट यू हैव नो पिटी फॉर ह्यूमन बींग्स, एग्जिट। चतुर्भुज कहते हैं कि बिल्ली के साथ सबको हमदर्दी है, बट यू हैव नो पिटी, पिटी मीन्स यहाँ पर रहम, लेकिन किसी को इंसान पर कोई रहम नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। लिटिल गर्ल, गर्ल छोटी बच्ची कहती है, लुकिंग आउट कम एंड सी अंकल हरी, व्हाट अ बिग फैट टेल। अंकल हरी से कहती हैं बाहर देखते हुए, लुकिंग आउट बाहर देखते हुए कहती हैं, कम एंड सी अंकल हरी, हरी काका आइए और देखिए, व्हाट अ बिग फैट टेल, टेल मतलब होता है यहाँ पर दुम, व्हाट अ बिग फैट टेल, कितनी मोटी दुम है इसकी। हरी, हुज टेल, चतुर्भुज, हरी काका कहते हैं किसकी दुम, चतुर्भुज की। गर्ल कहती है, नो द कैट्स, नहीं नहीं बिल्ली की दुम। इस तरह से यहाँ सीन सेकंड फिनिश होता है। अब स्टार्ट होता है सीन थर्ड। ऑन द रोड इंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड विदाउट द कैट। सड़क का मंजर है, चतुर्भुज हैं दाखिल होते हैं सड़क पर, बैग इन हैंड हाथों में बैग होती है, थैली होती है, विदाउट द कैट और बिल्ली नहीं रहती है। अब यहाँ पर डायलॉग है साधु चरण का, जो कि चतुर्भुज को देखकर कहते हैं, साधु चरण, सर वेयर इज दैट कैट ऑफ योर्स, मोहतरम आपके पास जो बिल्ली थी वो कहाँ है। चतुर्भुज, इट्स डेड, मर गई है वो। साधु चरण, हाउ सैड, हाउ डिड इट हैपन, बड़े ही अफसोस की बात है, कैसे हो गया ये। चतुर्भुज इरिटेबली परेशान होकर कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। परान सुनकर कहता है, हेलो व्हाट व्हाट्स हैपन टू योर कैट, तुम्हारी बिल्ली को क्या हो गया। चतुर्भुज, इट्स डेड, मर गई है वो। प्राण, नो रियली हाउ, प्राण कहता है, नहीं 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 वाकई में कैसे हो गया ये सब। चतुर्भुज, द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। यहाँ मतलब है स्विंगिंग मतलब स्विंग टू स्विंग मतलब लटकना, एट द एंड ऑफ अ रोप, रोप मीन्स रस्सी। तो चतुर्भुज गुस्से में कहते हैं, जैसे आप सब मरने वाले हैं इसी तरह से रस्सी से लटक कर। प्राण, गुड गॉड ही इज़ पॉजिटिवली फ्यूरियस, यहाँ मीन्स पॉजिटिव मीन्स होता है यहाँ पर, पॉजिटिवली मीन्स वेरी। तो प्राण कहता है,
ओ खुदा, ये तो बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस है, गुस्से में है। फिर आखिर में अ स्वार्म ऑफ अर्चिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विद क्राइज ऑफ पुसी कैट पुसी कैट। स्वार्म, स्वार्म मीन्स टोली या झुंड। अर्चिन्स, अर्चिन्स मीन्स शरीर या आवारा बच्चे। क्लैपिंग एंड टीजिंग, टू क्लैप मीन्स ताली बजाना, टू टीज मीन्स तंग करना या परेशान करना। तो इस तरह से रास्ते में शरीर बच्चों की एक टोली चतुर्भुज के पीछे तालियां बजाते और पुसी कैट चिल्लाकर तंग करते हुए दौड़ती है। इस तरह से कर्टन डाउन हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। आपने इस तरह से देखा कि एक शख्स जो कि एमए का एग्ज़ाम पास करके अपने गांव आया हुआ है, लेकिन हर कोई उसके साथ जो बिल्ली होती है उसके बारे में बात करता है, ना कि उसकी डिग्रीज़ के बारे में, ना कि उसकी पढ़ाई के बारे में कोई बात करता है। और उनके दरमियान में जो डायलॉग्स होते हैं वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। शुक्रिया।